obviously really surprised and disappointed. The arrangements in Canberra, the pitch we received for the practice, disappointment was really high because we were not expecting this kind of arrangements, but it somewhere maybe the tactics, but we are ready for that. Australia हमेशा मेहमान टीमों के लिए कभी आसान हरीफ नहीं रहा, तो हम दुआ कर रहे हैं कि दुआ करें हम दुआ कर सकते हैं कि पर्थ का मैदान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की फॉर्म में वापसी के लिए लकी साबित हो. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. पर्थ की विकेट देख के प्लेयर्स की टांगे कांप रही हैं आपके भाई. अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ना एक लिस्ट देने वाली है कि पिच आप इस तरीके से बनाओगे, और हो सकता है ये भी कहें कि हमारे जो है ना वो 11 की बजाय ना 13 खेलेंगे. जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान ने कैसी पिचेस दी थी? जब इंग्लैंड पाकिस्तान खेलने के लिए आया तो क्या इंग्लैंड को वैसी पिचेस मिली थी जैसी इंग्लैंड को अपने मुल्क में मिलती हैं? नहीं मिली थी. पाकिस्तान तो अपनी मतलब की पिचेस बनाकर भी हार गया था. इंग्लैंड का टेस्ट मैच, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की बात कर लें आप, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की बात कर लें, तो पाकिस्तान को अपने मैदानों पर भी हारा है. तो अब ये मोहम्मद हफीज साहब का ये मानना, ये कहना, शर्म करो. ये मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर है बेटा, झगड़े का तो फिर टीम डायरेक्टर लगा हुआ है. एक्सक्यूजेस देने बंद करो कि जी पीछे हमारे ग्रीन मिल गया है, घास है, तो जी ये है, ज्यादा ज्यादा हार जाएंगे. ओ बेटा ज्यादा से ज्यादा नहीं, हार डन है. जिन लोगों ने ये सीरीज अरेंज की थी, पाकिस्तान टीम को पहला टेस्ट मैच पर्थ में दे दिया गया. भारत की टीम जब टूर करती है तो उनको सिडनी में खिलाते हैं, उनको एडिलेड में खिलाते हैं. अगर उन्होंने कहीं आपको 80-100 रन में पैक कर दिया किसी टेस्ट में, तो फिर ये लल्लो कैसे चलेगी? स्टीव स्मिथ और लबुशान ने ना बेटा दो के ना आपकी, मैं कहता हूँ चटियां फाड़ देनी आपकी, आपकी चटियों में छेद कर देना उन्होंने मार मार के आपको. अबे भाई, जो होम टीम होती है अपनी मर्जी की पिच बनाती है, खेलना खेलो वरना घर जाओ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. नहीं रहा, जस्ट सो दैट यू नो. और दूसरी बात पर की पिच हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए आइडियल रही है. पाकिस्तानी पेसर्स कुछ अरसे से मुतासिर उन कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा पा रहे ऑन दोस पिचेस और वैसे भी. तो हम दुआ कर रहे हैं कि दुआ करें, हम दुआ कर सकते हैं कि पर्थ का मैदान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की फॉर्म में वापसी के लिए लकी साबित हो. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनके लिए जो होटल के कमरे हैं वो अच्छे नहीं है. फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके कमरों को अपग्रेड किया. अब पाकिस्तान ने शिकायत की है, वो क्रिकेटिंग शिकायत है. तो मेरे ख्याल में नॉर्मली ये चीजें होती हैं, लेकिन मीडिया में आकर जो हमने अभी तक देखा है, बहुत कम होता है कि प्लेयर या टीम मैनेजमेंट के लोग मीडिया में आकर ये बातें करते हैं. जिन लोगों ने ये सीरीज अरेंज की थी, पाकिस्तान टीम को पहला टेस्ट मैच पर्थ में दे दिया गया. भारत की टीम जब टूर करती है तो उनको सिडनी में खिलाते हैं, उनको एडिलेड में खिलाते हैं. हाँ, ये आई वांट टू नो कि अगर सिडनी एडिलेड वगैरह में उनको करा रहे हैं और यहाँ पर्थ में खेल रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? पर्थ की पिच दुनिया की तेज तरीन पिच है, ड्रॉपिंग पिच है, फास्ट बॉलर्स के लिए वहाँ पर कंडीशन आइडियल है. लेकिन अगर हम सिडनी को देखें तो सिडनी में पाकिस्तान ने जब 25 साल पहले आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जीता था तो सिडनी में जीता था, क्योंकि सिडनी की जो पिच है वो उसकी हिस्ट्री बताती है कि वो स्पिनर को सूट करती है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल ही पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है. इसके इतराफ न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स ने भी किया. टीवी शो में बताते हुए उन्होंने बताया कि हमें जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस के लिए जो ग्राउंड दिया था उस ग्राउंड की पिच बहुत स्लो थी, हालांकि जिस ग्राउंड में उन्होंने मैच खेलना है उस ग्राउंड जो पिच है बहुत फास्ट है. दो पिच के प्रैक्टिस वाला ग्राउंड और जो एक्चुअल ग्राउंड है उनमें टोटली ऑपोजिट है एक दूसरे ग्राउंड, लेकिन हमें काफी प्रैक्टिस हमने कर ली और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अगर मैच से पहले ही एक टीम दूसरी टीम के ऊपर बातें शुरू कर दे तो उसका यही मतलब है उस टीम का लेवल बहुत डाउन हो चुका है. क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ऑस्ट्रेलिया है वो अपने होम ग्राउंड में किसी भी टीम को जीतने नहीं देता, अपने होम ग्राउंड में नहीं जीतने देता, खासकर टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की जान है और अपनी जान को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया पूरा जोर लगा देगा. और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने तमाम बड़े बड़े प्लेयर यूज किए हैं, डेविड वार्नर, पैट कमिंग, लबुशाग्ने, ट्रेविस हेड, स्मिथ के अलावा मिच स्टार्क जैसे फास्टेस्ट प्लेयर इस्तेमाल कराए हैं ऑस्ट्रेलिया ने. और ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि हम अपने अच्छे प्लेयर खिलवाएंगे, अच्छे प्लेयर्स को यूज करेंगे पाकिस्तान टीम के खिलाफ और बासानी पाकिस्तान को हरा देंगे. अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान टीम इतने बड़े प्लेयर के सामने टिक सकती है और क्या पाकिस्तानी टीम इतने शानदार और जबरदस्त बॉलर्स का दिफा कर सकती है और क्या ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर जैसे फास्टेस्ट प्लेयर को पाकिस्तानी बॉल आउट कर पाएंगे. लेकिन मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास तो अब स्पिनर भी उस क्वालिटी का नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करे. एक जो हमारे स्पिनर थे जिन
जिनके लिए हम पिछले दो महीने से लड़ रहे थे अबरार अहमद, वो तो बगैर खेले ही 27 ओवर करवा कर अनफिट हो गए। असली विकेट क्या मतलब, लोग तो कह रहे थे ड्रॉपिंग लगवाई लगाई, पूरी ही ग्रीन है वो, हिस्सा भी ग्रीन और वो भी ग्रीन, मतलब इतनी ग्रीन के, ये मैं बता रहा हूँ, ये कमिंस एंड कंपनी ये बड़ी नाराज है, भले वो सीरीज जीत गए थे जो हमने हाईवे दिए थे, तो ये हाईवे के टक्कर में जो है ना खुदाई दे रहे इनको कहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार रफीक भाई जरा वो वाली बात करें जो अकल में आती हो, अपने बारे में आपने सोचा है कभी, आप ऑस्ट्रेलिया जो जाते थे कैसे जाते थे, कभी अपने अपने ही गिरेबान में झांक के आप सच बोलते थे या पीछे वालों का रिकॉर्ड देख के आप जरा कोई सच बोलते थे, पेट भर के झूठ बोल के आपने जो है ना वो जो रही गई बची कुची थी ना फंड से पहले की जो फनकारियां थी वो भी मट्टी में मिला दिया आपने, मतलब ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, शान फॉर्म में, बाबर फॉर्म में, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बैटिंग पूरी है, रिजर्व भी पूरे हमारे, ताकतवर है सारे, खेलेंगे। अच्छा भाई ये समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस बोलिंग में कह रहे हैं आप वर्ल्ड क्लास है, पर्थ की विकेट देख के प्लेयर्स की टांगे कांप रही है।